करो क्या लगी में सरकार से हमें वो तो कहेंगे कुछ नहीं है, बोलने से क्या होगा, वो तो हमारे ऊपर से वो क्या बोलता है उसको वो सर पटकते हैं पेट्रोल वो अखत रुपये दो खत खसान पेट्रोल कह रुपये वो आज कौन सी सरकार है इधर, कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं है गवर्नमेंट आज बड़े बड़े मीडिया में गई मंदिर से चाहे सस्ती कर वापस जा रहा बाहर नाज़रीन आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ हब और आज हम गनी खान श्रीनगर में मौजूद है। चूंकि आप सब जानते हैं चाहे हम सब्जियों की बात करें, चाहे हम ग्रॉसरी की बात करें, हम पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, एडिबल ऑयल की बात करें, तो हर चीज़ की जो प्राइस है, रेट है, वो बढ़ती जा रही है। प्राइस में हाइक देखने को मिल रहा है क्योंकि इससे गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। लोग अब सब्जियां भी नहीं खरीद पाते हैं, गरीब लोग अब फ्रूट्स नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि रमज़ान का मौका है, इस मौके पे फ्रूट्स ज़्यादा खाए जाते हैं। लेकिन अब फ्रूट्स के खरीदो फरोख्त में भी कमी देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो वेंडर्स हैं जो कि वेजिटेबल्स बेचते हैं, जो कि फ्रूट्स बेचते हैं, इनसे हम बात करेंगे आखिर ये जो रेट है इतना क्यों बढ़ा है और आम लोगों के लिए इससे कितनी प्रॉब्लम होगी। हमारे साथ जो फ्रूट्स बेचते हैं, ये वाटरमेलन बेचते हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि इनकी रेडियां हैं, ये कोई दुकानदार नहीं है, इनका बेचारों का जो दिन में कमाते हैं शाम में उसी से अपना गुजारा करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, तीन घंटे में कितना चेंजेस आई रेट्सन मंथ, तो एम हिसाब कितना चेंजेस आई कस्टमर्सन मंथ रेट में शिवा चेंज बहुत सा एम के दर्जे से गसा बुझ गो दर्जे वारिया पछि वाले पे रोकन जरूरी एम के जे पत खदा से वारिया कम निमान बेचि दो खदा गसा दर्जे वारिया मतलब हर कुन चीज से ये गसा कि हर कुन चीज गसा दुनिया में ये कशिर में गसा जो हमेशा के दर्जे हमेशा के मुझ पे माय बवा गसा हर कुन चीज दर्जे मतलब इस मतलब फ्रूट्स वेच गसा हर का आइटम से मतलब घर खतर आम चसा माय मुबारक बस तब गसा दर्जे आम तौर क्या पर सरकारस कानून की आम लोग जो पिस रहे हैं यहाँ पे तिंदि खतर क्या पजि इन कर तु दुकानदार तु स्ट्रीट वेंडर छु तुंदि खतर तो ये प्रॉब्लम यह सारे खतर प्रॉब्लम ये गोल गए सोच पे जाए क्या गए जान बे तुम सस्तगी कर बड़े बड़े बापार नश लगे बेचारे दुकानदार रेड वाले पटरी वाले से बेस दुकानदार हेकनी पूरा पा इसलिए बड़ बड़ बापार बज बड़ मजदूरी तुम अगर गा तुम जान चले अच्छा सस्त अच्छे तक ज्यादा अच्छे को ज्यादा दो तम से माल या दुकानदार से के पूछ कर माज अगर सस्ती गई अगर जो कट कर दो दह कट पेट्रोल वो अखत दह रुपये दो खतरे खसान पेट्रोल मे वो ओत हाथ रुपये आल मैं अखत कह रुपये वह दो खत अच्छा कर गवर्नमेंट कहें ट्रांसपोर्ट मूद ट्रांसपोर्ट क्या करे कागजन खोत इम चीज सोच यह सोरी पब्लिकस इस दर्जे बढ़ान अस मतलब मे गो मे पे बच्चे हम शरा यम बिश यह सोर अस पे बार यह गवर्नमेंट पे बार कह सोरे अस पे बार यह अस कड़ा खून अस दिवान सोच गवर्नमेंट अमक गवर्नमेंट आज बड़े बड़े मंडिया में गई मंदिर जाए सस्तगी कर रोपस जार पार बस वापस वर्ष रोपस करो जार पार अंदम तमी सी क्या अल्लाह तला बस बाकी गवर्नमेंट सुर अल्लाह तला बस रोपस वर्ष कहें। तो यहाँ हमारे साथ एक ऑटो ड्राइवर मौजूद है, क्योंकि आप सब जानते हैं महंगाई आसमान छू रही है, अब इनका कितना नुकसान हो रहा है इसमें, क्योंकि ये अपने जो है चाहे बच्चों की बात करें, फैमिली की बात करें, नहीं पाल पाते हैं इतने कम पैसों में, तो पेट्रोल से खाता यहाँ पर, डीजल से यहाँ पर खाता, तो आई खतर कुछ प्रॉब्लम इतनी महंगाई हो रही है कि जीना मुश्किल हो गया, आजकल जीना मुश्किल हो गया, इतने महंगी हो रहे हैं, पेट्रोल देखो आसमान छू रहा है, डीजल आसमान छू रहा है, यहाँ गरीब को बचने की बात नहीं है, वो तो चला गया गरीब, यहाँ इतनी महंगाई है यहाँ, तो इसमें हाँ और यहाँ आज वो काम भी ऐसा नहीं है कि कुछ कमाए, काम भी कुछ नहीं है, यहाँ से पेट्रोल को चढ़ गया, डीजल को चढ़ गया, हर एक चीज़ को चढ़ गया, सही बात है। हर एक चीज़ को चढ़ गया, जीना मुश्किल हो गया। आपको बता दें चाहे हम फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, वो भी महंगे हो रहे हैं, एक एक इंसान के लिए जीना मुश्किल हो गया है, एक अगर लोगों की बात करें या जो बेचारे गरीब गुरबात लोग हैं उनके लिए कितनी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मैंने बोला पहले कि जीना मुश्किल हो गया, सब्जी ले जाओ और जो भी कुछ ले जाओ आप मार्केट में जो है मुश्किल है जीना, बिल्कुल मुश्किल है जीना, मुश्किल है। पहले के मुकाबले अभी कितने बदलाव आए हैं ये प्राइस अगर रेट लिस्ट को लेके देखें? सारा ही सारा बदलाव आ गया, सारा बदलाव आ गया। आपको क्या लगता है कैसे चेंजेस आएंगे, सरकार से आपकी क्या गुजारिश है?
सरकार से हमें वो तो करेगी कुछ नहीं, बोले से क्या होगा, वो तो हमारे ऊपर से वो क्या बोलता है उसको वो सर पटकते है, वो कुछ नहीं करने वाला, वो तो चढ़ाने वाला है, वो कुछ नहीं करेगा, गरीब को क्या करेगा। हमारे साथ सोमो ड्राइवर भी मौजूद है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस देखा जाए, डीजल के प्राइसेस देखा जाए, अब अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो लगभग 10 से ज्यादा बारी जो है पेट्रोल प्राइस में हाइक हुआ है, तो तू क्या ये आज पेट मानून आम लुकस खतर गरीब लुकन खतर कुछ प्रॉब्लम चाहिए ये जो वायर प्रॉब्लम है लुकन पर तो आइस पर तू सु पान आ सोमो ड्राइवर तू शु वशन चेंजेस मतलब हर दो छ ₹1 पेट्रोल का दो ज्यादा बढ़ा ₹1 करो क्या लगी। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे जो कि सब्जी बेचते हैं, इनसे पूछेंगे कि अगर दाम इतने बढ़ रहे हैं तो रीजन क्या है प्राइस या रेट सब्जियों के बढ़ने का। अंकल तू वन क्या सब्जी रेट क्या बढ़ेगी तो लुक लिमिटेड सून गार निवान पेट्रोल डीजलस खोत तेलस खोत हंग तो मंग चीज रोग चीज चाय कलो 100 रुपये आज सोज अक रेट मे रोज सब्जी गवर्नमेंट क्या पे रेट बनाना पान सूचे रीजन क्या बुत वाता कना क्या कहाना मसल रेट लिस्ट दुम हिसाब से कीमत चीजन डबल बनवा पान रेट तुम क्या मॉडिफाई मंडी मा मतलब क्रिया परचून वाले गाँव कई कना तुम्हें बनवा पान रेट लिस्ट लेकिन टेल्टी चुम 3,000 रुपये तुम्हें बनाना पान पतन दिवान क्या पतन सवाल लुख कन्फ्यूज वैस रेट लिस्ट तमें हिसाब से पे कर वेजिटेबल सेलर वन तमें हिसाब से पे गवर्नमेंट रेट बनाए यहाँ पे हमने कुछ वेंडर से बात की और कुछ ड्राइवर से भी बात की जिनका मानना है कि जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल में प्राइसेस का हाइक होना है उसी वही वजह है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ता है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की वजह से जो ओवरऑल फ्रूट्स की बात की है वेजिटेबल्स की बात करें उनका प्राइसेस भी बढ़ता है जिसकी वजह से एक आम इंसान सफ़र करता है। और इसमें ये भी बता दें इनका मानना है कि सरकार को चाहिए कि वो जो पेट्रोल के प्राइसेस है फ्यूल के प्राइसेस है उनमें कमी आ जाए जिससे ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में कमी आ जाए। और साथ में लिस्ट मुकरर करने से पहले एक बारी जो वेजिटेबल वेंडर्स है जो कि फ्रूट वेंडर्स है उनसे भी एक बारी बात की जाए जिसकी वजह से उन्हें भी नुकसान ना हो और आम लोग सफर भी ना करें। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एशियन न्यूज़ हब श्रीनगर कश्मीर।